जेन में एक बार डाली मेरा और कप्तान के दोनों में कि क्योंकि जब हमने प्रॉपर गेम भी खेला तो मुश्किल था, जब हेडिंग पे आए तो भी मुश्किल था, तो वापस एकदम प्लेन यही किया कि हम थोड़ा सा लंबा लेके चले जाते हैं और फिर एक हैंड मिन पे अटैक करेंगे। और बहरहाल मैं क्रेडिट यहाँ पे उनकी टीम की बॉलर्स को दूंगा, जिस तरह उन लोगों ने शुरू में बॉलिंग की है एक ही जगह पे करते रहे और काफी अच्छी बॉलिंग की उन लोगों ने। Rizwan fits the Namibia bowling and also says that he took the match deep in order to get some runs on the board. It's difficult to start off. 24 run, 24 runs, आखरी ओवर में उसका कुछ बताएं जो आपने वो रन्स बनाए। बसीत भाई, basically जिस तरह है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, ये कुरान की आयत है, मगर यही है कि जिस तरह मुश्किल कंडीशन से मैं गुजरा था शुरू में, यही था कि एक दफ़ा जैसे हफीज भाई ने बताया था कि जब आपके शॉट नहीं लग रहे तो इसका मतलब ये होता है कि आपका टाइम आता है, उसके लिए वेट करना पड़ता है। तो आज जेन में वही था, जिस तरह हफीज भाई ने आगे जो पीछे से जो मोमेंटम दिया और फिर एंड में ये प्लान था मेरा कि आखिरी ओवर है और मैंने इसको इंशाल्लाह लूटना है, तो अल्लाह पाक ने वहाँ बरकत फरमाई और रन करके। And you worked for that by establishing that innings. आपकी और बाबर की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहती है, आज तो हफीज ने भी रन किए। अब आपका ख्याल है कि सारे वो बॉक्सेस टिक हो गए हैं सेमीफाइनल के लिए आपकी टीम के लिए? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी पूरी टीम काफ़ी जेल है और कहाँ कहाँ पे जो हमें ज़रूरत होती है सारे वहाँ पे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, हमारे बॉलर्स बहुत अलहमदा तगड़े बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स कर रहे हैं, हमारी डेथ जो है ना बैट्समैन जो लोअर ऑर्डर के ऊपर के बैट्समैन है, अलहमदा सारे बॉक्सेस ठीक हो गए। बस पूरी कौम से रिक्वेस्ट है कि दुआओं में याद रखें, हमसे इंशाल्लाह पॉजिटिव उम्मीद रखें, हम बड़ी मेहनत और हिम्मत से कर रहे हैं, बाकी अल्लाह के हवाले हैं। Tournament ahead and he thinks that Pakistan are ahead with a fighting chance. Rizwan, thank you very much. Thank you, Jay. Wonderful.